हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अग्रवाल ट्यूटोरियल चैनल से जो स्टडी कंटेंट यहां पर अवेलेबल है उससे बेनिफिट ले पा रहे होंगे, फायदा उठा पा रहे होंगे और आपके सिलेबस जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में होता है उसके लिए आप लोग इससे जरूर लर्न कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया प्लेलिस्ट रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं। ये प्लेलिस्ट स्पेशली मौलाना आजाद अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज फॉर्मली नोन एज वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इस यूनिवर्सिटी का एक मॉड्यूल नंबर 5 है, दैट इज पावर कन्वर्टर, जिसका सिलेबस आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये पर्टिकुलर मॉड्यूल को हम इस प्लेलिस्ट के थ्रू कवर करेंगे एंड ये स्पेशली वेस्ट बंगाल की जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा बाकी जो हमारे पास इस चैनल पे चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, दैट इज डीसी सर्किट्स, एसी सर्किट्स, ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। ठीक है, ये 5 मॉड्यूल्स ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है अग्रवाल ट्यूटोरियल चैनल्स के ऊपर, राइट, जिसमें डिटेल्ड कंटेंट, डिटेल स्टडी मटीरियल, लर्निंग मटीरियल अवेलेबल है, राइट। तो अगर आपने अभी तक जो कंटेंट है अवेलेबल वो नहीं देखा है तो गो थ्रू द कंटेंट, आपको डेफिनेटली उसको यूज आएगा पढ़ने में आपके। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो लोग भी यहाँ से इसको फायदा ले सकें, इस चैनल से वो लोग भी लर्न कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जो पावर कन्वर्टर्स हैं, पावर कन्वर्टर इज बेसिकली रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक कोर सब्जेक्ट होता है, जो कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है उससे ये रिलेट करता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, अगर उसको एक सिंपल सी भाषा में डिफाइन करने की यहाँ पे कोशिश की जाए कि हाउ वी डिफाइन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज काइंड ऑफ द फ्लो ऑफ पावर। ठीक है, जो पावर का फ्लो होता है फ्रॉम इनपुट साइड टू आउटपुट साइड। आप देखते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जब आप यूज करते हैं तो इनपुट पे पावर को आप लेते हैं और आउटपुट पर उसको दे देते हैं, तो जो फ्लो ऑफ पावर है फ्रॉम इनपुट साइड से आउटपुट साइड, वो पावर एक कंट्रोल्ड वे में हो, उसी को बेसिकली यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। तो जितना भी स्टडी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में किया जाता है वो कंट्रोलिंग ऑफ पावर होती है, कंट्रोल ऑफ पावर। अब कंट्रोल ऑफ पावर से हमारे यहाँ पर मतलब है कि जो पावर का फ्लो हुआ है इनपुट साइड से आउटपुट साइड पर, उसके बीच में काफी सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से, यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से हम समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपके पास ये एक पावर कन्वर्टर है जो पावर को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, वो कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आपने पावर को इनपुट दिया, इनपुट पावर है आपका यहाँ पे, और आउटपुट साइड पर आप पावर आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पावर कन्वर्टर है, दिस पावर कन्वर्टर कन्वर्ट द पावर इन ए डिजायर्ड मैनर, कि आपको कितना पावर चाहिए, आपको कितना आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो यहां पर पावर कन्वर्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक सिग्नल होता है हमेशा, दैट इज कॉल्ड अ कंट्रोल सिग्नल। तो बेसिकली पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या यूं कहें कि पूरा पावर कन्वर्टर एक स्टडी के ऊपर बेस्ड है। वो स्टडी ये कहती है कि जब भी हम किसी भी इनपुट पावर को आउटपुट पावर के फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे थ्रू सम मीन्स ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस, दैट कन्वर्जन प्रोसेस हैज टू बी कंट्रोल्ड इन सच ए वे कि वी कैन अचीव ए डिजायर्ड आउटपुट। एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक फैन की बात करें, पंखा जो सीलिंग फैन होता है जिसको हम चलाते हैं, अगर आपको उस सीलिंग फैन की स्पीड को अपने डिजायर्ड वे में कंट्रोल करना हो कि पंखा एग्जैक्टली उस स्पीड पर चले जो आप चाहते हैं, तो उसके लिए नेचुरली आपको सम काइंड ऑफ कन्वर्टर और सम काइंड ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास एक सिंपल रेगुलेटर होता है जिसकी हेल्प से आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर पाते हो, लेकिन वो प्री डिफाइंड कंट्रोल है, उसमें आपका कोई इनपुट नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको घुमाते हो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स पे, तो वो पंखा प्री डिफाइंड स्पीड्स पर ही चलेगा एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द सप्लाई, जो उसको सप्लाई दे रहा है कितना स्पीड उसको मिलेगा। तो उसमें आपका किसी भी तरह से कोई कंट्रोल नहीं है कि आप उसको डिजायर्ड स्पीड पर स्टॉप कर सके, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली पावर कन्वर्जन जो प्रोसेस है वो पावर कन्वर्जन कंट्रोल मैनर में करने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टडी किया जाता है,
उस स्टडी में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पावर कन्वर्टर्स होते हैं। अभी हमारे पास जो एक सामने जो डायग्राम मैंने आपके बनाया है, ये एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें पावर का कन्वर्जन हो रहा है थ्रू ए पावर कन्वर्टर। लेकिन पावर कन्वर्टर्स बेसिकली कुछ इस तरह से काम करते हैं, अगर इन जनरल हम समझने की कोशिश करें तो वो जो प्रोसेस है वो क्लोज लूप प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, अगर आप ओपन लूप और क्लोज लूप ये दो चीजों को समझने की कोशिश करें तो ओपन लूप वर्सेस क्लोज लूप के बारे में छोटा सा मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देना चाहूंगा। बेसिकली ओपन लूप एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इनपुट पे आउटपुट का किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं होता। वन साइड प्रोसेस है पूरा कि आप कुछ इनपुट देते जा रहे हैं, वहां से कुछ आउटपुट मिल रहा है, बट यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट कि कितना इनपुट दिया कितना आउटपुट दिया, वो सब प्री डिफाइंड प्रोसेस से चलता रहेगा। यू आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ फीडबैक कि आपको क्या चाहिए था, आपको क्या मिल रहा है, उसके बेसिस पे आप उन दोनों आउटपुट्स को, उस डिजायर्ड आउटपुट को और जो एक्चुअल में आउटपुट ऑब्टेन हो रहा है, उन दोनों को जब आप कंबाइन करके देखते हैं तो नेचुरली देयर विल बी सम एरर। लाइक हमने अभी फैन का एग्जांपल लिया था, फैन के केस में मान लीजिए आपको एक पंखे को 1000 आरपीएम पे रोटेट करना है, आपका जो डिजायर्ड स्पीड है वो 1000 आरपीएम है, आपने फैन को फुल स्पीड पर चला दिया, फुल स्पीड पर चलने के बाद फैन का जो रोटेशन आ रहा है वो आ रहा है 1100 आरपीएम। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यू विल फाइंड दैट कि देयर इज 100 आरपीएम मोर देन द डिजायर्ड वन, अगर आप क्लोज लूप की बात करते हैं। बट जब आप ओपन लूप की बात करते हैं तो आप सिंपली आप फैन को चलाते हैं फुल स्पीड पर, उससे 1000 आरपीएम मिल रहा हो या 1100 आरपीएम मिल रहा हो या 900 आरपीएम मिल रहा हो, सिंपली वो चलता रहता है। लेकिन जब क्लोज लूप की बात आएगी तो यू विल मॉनिटर दिस स्पीड वट एवर वी आर गेटिंग एंड वॉट वी डिजायर्ड। सो डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस है, जो एरर सिग्नल है, उस एरर सिग्नल के बेसिस पर हम इस कंट्रोल सिग्नल को मॉडिफाई करते हैं, राइट? क्योंकि जब आपका स्पीड ज्यादा होगा तो नेचुरली हमें स्पीड को कम करने के लिए टॉर्क रिक्वायरमेंट को कम करना पड़ेगा पंखे की। तो उस टॉर्क रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से पंखे पे जाने वाला जो पावर सिग्नल है, वोल्टेज है, करंट है, वहां पर कंट्रोल लगाना होगा। और अगर आपका एक्चुअल स्पीड कम है डिजायर्ड से, लाइक अगर हमारे पास 900 आरपीएम आ रहा है तो नेचुरली 900 आरपीएम को 1000 तक ले जाने के लिए यू रिक्वायर मोर पावर to be given to the fan. Another example you can take, bike हम सब लोग चलाते हैं, ठीक है? Two wheeler चलाते हैं, four wheeler चलाते हैं। जब आप लोग एक flyover को चढ़ते हैं, तो flyover को चढ़ते time आप हमेशा accelerator देते हैं। वो accelerator किस चीज का sign है? वो accelerator basically close loop का ही sign है। आपने देखा कि मुझे ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ने के लिए गाड़ी को ज्यादा force की जरूरत पड़ेगी, तो आपने उसको acceleration ज्यादा दिया to maintain the speed. In the similar way, when you come down from a slope, एक flyover से अगर आप नीचे आते हैं तो use brakes. आप brake का इस्तेमाल करते हैं ना कि accelerator का, क्योंकि आपको पता है कि जब आप flow से जाएंगे तो आपका speed automatically बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो आप अपने meter पे, speedometer पे देख पाएंगे कि मेरा speed 60 rpm से 70 हो गया, 75 हो गया, तो आप उसको control करने के लिए brake लगाते हैं ताकि speed वापस से 60 में रहे या within limits रहे, जो controlled speed होती है। तो वो एक बहुत अच्छा example है, जो closed loop system का example है, जिसको हम अपने mind के through control करते हैं, right? उस system में हमारा mind एक तरह से controlling signal का काम कर रहा है, राइट? तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो इन्वॉल्व होती हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर पावर कन्वर्टर्स की बात हो रही है तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कन्वर्टर्स वी हैव ऑलरेडी, ठीक है? जिनमें से हमारे पास जो कन्वर्टर्स के नाम है वो है, ऑन द ब्रॉड बेसिस वी क्लासिफाई द पावर कन्वर्टर्स इन टू फोर कैटेगरीज। दीज कैटेगरीज आर, नंबर वन, फर्स्ट कन्वर्टर इज नोन एज एसी टू डीसी कन्वर्टर। मींस हम क्या करते हैं, इनपुट पर एसी लेते हैं और आउटपुट से डीसी को ऑप्टेन करते हैं, क्योंकि आपको इस पावर कन्वर्टर के थ्रू एक ऐसा डिवाइस चलाना है जिसको डीसी सप्लाई की जरूरत है, ठीक है? तो वहां पर हम ऐसे पावर कन्वर्टर्स का यूज करते हैं जिनको हम कहते हैं एसी टू डीसी कन्वर्टर्स, और जो डिवाइस एसी से डीसी में कन्वर्जन करता है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है? तो रेक्टिफायर्स कम इनटू दिस कैटेगरी। देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स जो अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड डिवाइसेस के थ्रू बना सकते हैं, जैसे
डायोड रेक्टिफायर्स आपने सुना होगा, डायोड रेक्टिफायर्स होते हैं, डायोड की जगह पर अगर आप कुछ दूसरे एलिमेंट लगाते हैं जैसे ट्रांजिस्टर हो गया या इस तरह के एलिमेंट्स, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो एज ए स्विच काम कर सकता हो, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट वहां यूज किया जा सकता है जो एज ए स्विच काम करे, तो उन सब केसेस में आपको रेक्टिफायर मिल सकता है। तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर जो स्टडीज में आते हैं हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में या पावर ये कन्वर्टर्स के अंदर। दूसरा टाइप का जो कन्वर्टर है वो कहलाता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर का मतलब है कि यहाँ पर एसी भी डीसी इनपुट होगा और आउटपुट पर भी डीसी ही मिलेगा। तो एक्चुअल में हम चेंज क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं डीसी का लेवल, राइट। मान लीजिए आपके पास एक फिक्स्ड इनपुट है 100 वोल्ट डीसी, उसको आपको कम या ज्यादा करना है, तो उस बेसिस पर आप डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी हेल्प से आप वोल्टेज के लेवल को कम या ज्यादा कर सकते हैं, राइट। तीसरा एक कन्वर्टर आता है दैट इज नोन एज डीसी टू एसी कन्वर्टर। डीसी टू एसी कन्वर्टर मींस हमारे पास इनपुट पर डीसी होगा और आउटपुट पर एसी होगा। डीसी टू एसी कन्वर्टर करने वाले को, एक ऐसे कन्वर्टर को जो डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं इन्वर्टर, ठीक है। इन्वर्टर्स तो हम सब ने सुन रखा है, घरों में हम बहुत यूज करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंटरप्टेड रहती है वहां पर हम हमेशा इन्वर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। डीसी के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर डिवाइस का यूज करते हैं। तो बेसिकली इन्वर्टर इज ए पावर मॉड्यूलेटर, इन्वर्टर एक पावर मॉड्यूलेटर है, पावर कन्वर्टर है, जो पावर को इनपुट से आउटपुट पर आपके डिजायर्ड फॉर्म में प्रोवाइड करता है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो सेकंड नंबर पे पड़ा, दीज आर कॉल्ड चॉपर्स, ठीक है, इनका जो नाम है वो है चॉपर, राइट। तो फर्स्ट हो गया आपका रेक्टिफायर दैट इज एसी टू डीसी कन्वर्टर, सेकंड हो गया डीसी टू डीसी कन्वर्टर दैट इज चॉपर, थर्ड हो गया डीसी टू एसी कन्वर्टर दैट इज इन्वर्टर, एंड द फोर्थ वन, फोर्थ टाइप ऑफ कन्वर्टर जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड एसी टू एसी कन्वर्टर। एसी टू एसी कन्वर्टर को हम कहते हैं साइक्लो कन्वर्टर्स या फिर वोल्टेज रेगुलेटर्स। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी टू एसी कन्वर्जन। एक वो प्रोसेस होती है जिसमें आप वोल्टेज के लेवल को कम या ज्यादा करते हैं, मतलब एसी पर ही इनपुट होगा, एसी पर ही आउटपुट होगा आपका, आउटपुट और इनपुट दोनों एसी ही होंगे। तो एक ऐसा कन्वर्टर हो सकता है जिसमें आप सिर्फ लेवल को कम या ज्यादा कर रहे हो, मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ एसी है उसको कम या ज्यादा कर रहे हो। दूसरा हो सकता है कि आप फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हो, राइट। जैसे इनपुट का अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आप आउटपुट की फ्रीक्वेंसी को उसके मल्टीपल टाइम्स में, सपोज 150, 300, लाइक दैट एनी काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी यू कैन ऑब्टेन यूजिंग द साइक्लो कन्वर्टर्स, ठीक है। तो एसी टू एसी कन्वर्टर्स कैन बी टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, और इट कैन बी ए वोल्टेज रेगुलेटर जिसमें हम वोल्टेज के लेवल को कम या ज्यादा करते हैं कि कितना वोल्टेज आएगा। अब ये जो चार टाइप के कन्वर्टर हैं, इनको यूज करने का फायदा क्या है? बेसिकली पावर कन्वर्टर्स का जो मेन रोल है वो ये है कि जो कन्वर्जन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वो बिना किसी लॉस के होना चाहिए, क्योंकि लॉस इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अवर सिस्टम, राइट। देर आर सर्टेन अदर वेज ऑल्सो जिनके थ्रू हम ये सारी चीजें ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन उसमें लॉसेज इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर पावर कन्वर्टर्स में लॉसेज इन्वॉल्व नहीं होते। साथ ही साथ इनको पावर कन्वर्टर इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज मॉड्यूलेटर्स, दीज कन्वर्टर्स आर यूज्ड फॉर वेरी वेरी हाई पावर एप्लीकेशंस जो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम यूज करते हैं। छोटे लेवल की हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो वी कैन सी देर आर सो मेनी टाइप ऑफ कन्वर्टर्स वी आर यूजिंग ऑन द डेली बेसिस। जैसे फोन चार्जर हो गया, वो एक एग्जाम्पल है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। जो फैन के रेगुलेटर्स हैं आजकल बहुत छोटे छोटे आते हैं, पहले बड़े रेगुलेटर्स आते थे, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि एक पावर कन्वर्टर है। स्टेबलाइजर्स आप देखते हैं, पहले भारी स्टेबलाइजर्स आते थे, अब हल्के आने लगे हैं वो है। अब ऑटोमेटिक जो पावर कन्वर्जन का जो प्रोसेस है जिसमें हमने आजकल स्टेबलाइजर्स को हटा ही दिया है कि स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक डिवाइसेस बनाने लग गए हैं जिसमें वो सारी चीजें ऑटोमेटिक इनबिल्ट होती हैं। तो ये सारी चीजों में हम देखते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, पावर कन्वर्टर्स ऑलरेडी इनबिल्ट आने लगा है चीजों के अंदर, जिसके बेसिस पर वो सारे डिवाइसेस एक प्रॉपर वे में काम करते हैं विदाउट एनी लॉस। क्योंकि हमारा जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है कि पावर लॉस नहीं होना चाहिए,
उसके साथ साथ पावर का जो कन्वर्जन है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो एफिशिएंट वे में होना जरूरी है। एफिशिएंसी शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, राइट। तो मॉड्यूलेटर्स आर एवरीवेयर, पावर कन्वर्टर्स आर एवरीवेयर, वेर एवर वी यूज इलेक्ट्रिक डिवाइस वी फाउंड ए काइंड ऑफ पावर कन्वर्टर इन ईच एंड एवरी वन, राइट। तो दिस वीडियो इज ओनली अबाउट द पावर कन्वर्टर्स, क्या इनके यूजेस हैं, कहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इसके बाद जो हम वीडियो करेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए, उसमें जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है वो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स, बेसिकली यहाँ पर जो शुरू किया गया है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड और कुछ हम चीजें आगे आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे हम, और इस पूरे मॉड्यूल को कवर करने की कोशिश करेंगे। Till then, thank you so much for listening this video and stay tuned to the channel for more upcoming videos related to this chapter and share this channel with your friends. Thank you so much for watching. Thank you.